बीजेपी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालेगी। ये यात्रा कई जिलों में जाएगी। खास बात यह है कि कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन नरौरा के साथ ही वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में संगम और अयोध्या में सरयू में भी किया जाएगा। इसके अलावा 1 सितंबर को अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी होगा, जिसमें सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, इसके अलावा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। अस्थि विसर्जन के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। कई जिलों से होकर ये कलश यात्रा गुजरेगी। नरौरा में अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में गंगा में अस्थियों का विसर्जन होगा, साथ ही प्रयागराज में संगम में भी कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन होगा और फिर बाद में अयोध्या में सरयू में भी अस्थि विसर्जन किया जाएगा। काशी, प्रयागराज और अयोध्या में कलश यात्रा जाएगी ताकि वो तमाम लोग जो कि अपने नेता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए वो कलश यात्रा का दर्शन कर पाएं और बाद में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा गंगा में, संगम में और सरयू में। अयोध्या से केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक कल्याण सिंह जी और उनकी अस्थियों का विसर्जन सरयू में किया जाएगा, बड़ी बात है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कल्याण सिंह जी को मानते रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन की इच्छा उनके भीतर थी और अयोध्या के रहने वाले थे लेकिन वो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। कम से कम कलश यात्रा वहां पहुंचेगी तो उनको अंतिम दर्शन का मौका मिलेगा। जी अमिताभ, को बता दें कि कल्याण सिंह राम मंदिर के मामले के वो ऐसे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्सी को ठोकर मार दी थी। ऐसे में जब उनकी अस्थि यात्रा अयोध्या पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने की वहाँ उम्मीद है कि वो भी आज फिर के मौके पर सहयोग नारे मौजूद रहेंगे, तो गुंडला के तैयारियां भी शुरू हो गई। तो जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि यात्रा निकाली गई थी उसी तरह से जो है कल्याण सिंह की अस्थि यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या पहुंचेगी, सरयू में प्रवाहित की जाएगी, पूरी की व्यवस्था की जा रही है। तो जाहिर जो उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अस्थि विसर्जन यात्रा में शामिल होंगे। तो गुंडला के ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो राम जो कारसेवक है उन पर गोली नहीं चलाएंगे वो, तो इसलिए राम मंदिर के ऐसे नेता थे जो उभर के आए और राम मंदिर के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे में अब जब उनकी अस्थि यात्रा अयोध्या आएगी, सरयू में प्रवाहित की जाएगी, तो जाहिर सी बात है अपने नेता को देखने के लिए जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए यहाँ के लोग जिसे जो नहीं पहुँच पाए वहाँ, तो ऐसे में उनकी अस्थि विसर्जन में लोग वहाँ उमड़ कर आएंगे, भीड़ काफ़ी उमड़ेगी। जो साधु संत थे जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे वो भी शामिल होंगे। सीएम योगी खुद उनके वहाँ उम्मीद है कि वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुंडला के देखा जा रहा है कि कल्याण सिंह की जो अस्थि यात्रा अयोध्या पहुंचेगी तो भीड़ काफ़ी होगी, संत महान शामिल होंगे जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो राम मंदिर के मामले में आगे रहे हैं, जो बाबरी विध्वंस के जो आरोपी रहे हैं, जो बरी चुके हैं, वो भी सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब अयोध्या आएगी उसकी अस्थि यात्रा और विसर्जन में शामिल होंगे। कुंडला के सरयू किनारे एक अच्छा जो है वो व्यवस्था की जा रही है ताकि नाव पर जाकर सरयू की 20 धारा में उनकी अस्थि का विसर्जन कर सकें। जी अमित, वाराणसी से रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि पांडे, वाराणसी में अस्थि कलश यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, वहां से क्या अपडेट है? जी देखिए, पूरी तैयारी जो है वो बीजेपी कार्यालय से शुरू हो चुकी है, आदेश भी मिल चुका है। हालांकि जो पूरा एक मैप है उसको आज तैयार किया जाएगा और अस्थि विसर्जन काशी की जनता के लिए एक बड़ी बात होगी क्योंकि कल्याण सिंह जी का काशी से एक खासा नाता रहा है। काशी के लोग कल्याण सिंह जी को राम भक्त के रूप में देखते थे, ऐसे में जब भी वो काशी आते तो जो काशी के लोग हैं उनका खासा स्वागत करते थे लेकिन उनके अंतिम संस्कार में यहाँ के लोग शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे में इस अस्थि विसर्जन को लेकर के आम जनता को उनके अस्थियों को दर्शन कराने को लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर के आज बकायदा बैठक भी होगी और एक पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा यहां से लेकर के घाट तक का और पूरे विधि विधान से किस तरीके से अस्थि विसर्जन किया जाएगा उसका आज पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर अस्थि कलश यात्रा की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि रवि बता रहे हैं, केवी शुक्ला भी बता रहे हैं कि वो तमाम लोग जो कि अंतिम दर्शन नहीं कर पाए वो कम से कम अस्थि कलश यात्रा के दर्शन कर पाए, ये इंतजाम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। केवी शुक्ला, राजवीर सिंह की तरफ से बयान भी सामने आया था कि वो राम भक्त थे और राम के चरणों में चले गए। जिस सरयू में प्रभु श्री राम ने समाधि ली थी उसी सरयू में अब कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, ये बड़ी बात है उस पुण्यात्मा के लिए।
जी बिल्कुल, ये अपना बहुत बड़ी बात है कि जिस सरयू में भगवान राम ने अपनी जो है अंतरिम यात्रा की थी, गुप्त हुए थे गुप्तार घाट पर, उसी सरयू में कल्याण सिंह भी जिनको उनकी अस्थि यात्रा आनी है, तो ये अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी होगी कि वो उनके जो अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अस्थि कलश यात्रा में शामिल होंगे, अस्थि विसर्जन में शामिल होंगे। तुलना के बहुत व्यापक एक प्लान, एक योजना बनाई जा रही है कि फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। बहुत जो भीड़ होगी वो भी, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से उनके जो वो जानने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, कल्याण सिंह के करीबी, उनको एक मौका मिलेगा। साधु संत ऐसे अलीगढ़ से भी अपडेट ले लेते हैं, रंजीत सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी अस्थि कलश यात्रा के बारे में? देखिए, मैं यहाँ पर खुद कल्याण सिंह बाबू जी के आवास पर हूँ, राजू भैया मेरे साथ हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी भी यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कल्याण सिंह जी का निधन के बाद क्या मानते हैं आप? देखिए बाबू जी, शरीर से हमारे बीच में जरूर नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। बाबू जी मरे नहीं, उनके अमर हो गए। कई लोगों ने कहा है कि राम जी ने उनको इस काम के लिए भेजा था, वो उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने फिर राम जी ने बाबू जी को अपने पास बुला लिया है, क्या? देखिए ऐसा है कि राम जी ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर लिया और पूरा काम करने के बाद भगवान ने अपने पास फिर से बुला लिया है। हो सकता है कि उनको फिर और कोई काम हो तो वहाँ भेज दिया। मेरे साथ इस टाइम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी भी मौजूद हैं। शिवपाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए बाबू जी बहुत बड़े नेता हैं और बाबू जी स्वयं जमीन से उठ करके बहुत बड़े नेता बने, तो बाबू जी एक तरह से राजनीति। शिवपाल यादव भी श्रद्धांजलि देने के लिए कल्याण सिंह के पैतृक आवास पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी बेटी भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुख की घड़ी में परिवार का हाथ थामने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेता के निधन की खबर साझा करने से लेकर उनके अंतिम सफर तक परिवार के साथ दिखाई दिए। हर व्यवस्था उन्होंने खुद देखी और परिवार को भरोसा दिया कि उनके साथ न सिर्फ सरकार खड़ी है बल्कि उनकी पार्टी भी कल्याण सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। इसके लिए राजवीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने और परिवार के साथ क्षेत्र की जनता के साथ आभार जताया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में एसपी और कांग्रेस के नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एटा की मारहरा सीट